तीन कटोरी आटा है लच्छा पराठा बनाने के लिए। अब ये हींग है, हम इसमें डालेंगे। मिर्ची पाउडर है, ये नमक है, ये हरा धनिया है, और ये ऑयल रिफाइंड और पानी। अभी हम आटा बनाएंगे लच्छे पराठे के लिए, उसमें थोड़ा हींग डालेंगे एक चुटकी, नमक डालेंगे 2 चम्मच और तेल डालेंगे 2 चम्मच। इसके बाद हम इसको ऐसे मिला लेंगे अच्छे से, जो बीच बीच की गांठ नहीं आए। अब हम इसमें पानी डाल के थोड़ा थोड़ा कर इसको गूंथते जाएंगे। इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डालेंगे आटा पतला ना हो जाए। अभी आटा हमारा गूंद गया है, ना बहुत पतला है ना बहुत टाइट है। इस आटे को थोड़ा तेल डालेंगे हम, जिससे ये बर्तन में इधर उधर का आटा लगा हुआ सब पोंछ लेंगे। देखिए अच्छा बन गया है आटा, थोड़ा लोच लेंगे इसको। अब इसको लोच के ठीक करके हम लोग 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के पराठा बनाने के टाइम फिर इसको थोड़ा अब हम इसका कपड़ा हटाएंगे और आटे को लोच देंगे। आटे को वापस थोड़ा सा पानी का घी का हाथ लगा के थोड़ा सा तेल डाल के इसको लोच देंगे। अब यह आटा हमारा बिल्कुल पराठे सेकने के लिए तैयार है। अभी हम थोड़ा सूखे आटे को हाथ लगा के और लोई का आटा पराठे का एक लोई आटा लेंगे। पराठा बहुत ना मोटा ना बहुत पतला होना चाहिए। इसको हम ऐसे सूखा आटा लगा के तवे पे रख के और बेल लेंगे।
इतना बड़ा हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ा तेल लगाएंगे अच्छे से। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, पर तेल में थोड़ा क्रिस्प दिखता है। अब हम इसमें एक चुटकी नमक मिर्ची डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पूरा स्प्रेड करेंगे। अब इसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे उठा उठा के, उंगली के पीछे से गैप लेके ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड हो जाएगा उसके बाद हम इसको ऐसे ऐसा फोल्ड कर लेंगे, गोल चक्कर बना देंगे। फिर उसके बाद हम इसको ऐसे दबा देंगे और हम इसको ऐसा बेलेंगे। थोड़ा सूखा पलोथन लगाएंगे और फिर इसको हम बेलेंगे हल्के हाथ से चारों तरफ से गोल गोल, जिससे किनारे और बीच बराबर हो जाए, मोटा पतला ना रहे। अभी हमारा पराठा बेल गया है, अब हम इसको तवे पे डाल देंगे। अब हम तवे पे थोड़ा तेल डालेंगे अच्छे से, उसके बाद हम ये पराठा तवे पे डाल देंगे और इसको सिक दे देंगे। सिकने और एक दूसरा पराठा बनाते हैं। अब हम इस पराठे को पलटते हैं, ये अच्छा ब्राउन हो गया है देखिए। अभी सिका नहीं है। अब ये पीछे से सिक गया है। इसमें अच्छे से तेल लगाएंगे, तेल या घी जो आपकी इच्छा हो वो लगा सकते हैं। और फिर हम इसको ऐसे पलटते हैं और इसको चारों तरफ से घुमा घुमा कर सेक लेंगे। और थोड़ा सा तेल और हम पीछे की साइड लगाएंगे। पलट पलट के हम इसको दो तीन बार अच्छे से सेकेंगे। अब इसमें देखिए ये लच्छे भी आ गए हैं और ये चारों तरफ से कुरकुरा अच्छा सिक गया है आगे पीछे से और खाने के लिए तैयार है। इसको हम लेके अब यहाँ इस जाली पे रखेंगे जिससे क्रिस्प रहे ठंडा होने तक में।